जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने YouTube चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उपमा खाना सभी को अच्छा लगता है और बन भी बहुत झटपट जाती है, इसलिए सभी की फेवरेट भी हो जाती है। लेकिन उपमा के लिए हमें हमेशा ही सूजी की जरूरत होती है, लेकिन बिना सूजी के भी हम किस तरीके से उपमा बना सकते हैं जिससे खाने में भी अच्छी लगे और थोड़ी बहुत बची हुई ब्रेड का भी इस्तेमाल हो जाए। तो चलिए बहुत जल्दी से ये उपमा की रेसिपी शेयर करते हैं। अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोगों को नई नई वीडियो इसी तरीके से लगातार मिलती रहे। तो चलिए बहुत जल्दी से बिना सूजी का उपमा बनाना स्टार्ट करते हैं। और बिना सूजी की उपमा बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये आधा कप से भी कुछ कम हरी मटर के दाने जिसे मैंने अच्छे से उबाल लिया है, एक बड़े साइज का प्याज एकदम बारीक कटा हुआ और एक बड़े साइज का ही मैंने आलू लिया है और उसे भी एकदम बारीक काट लिया है। और काटने के बाद मैंने आलू को पानी में डाल दिया है जिससे वो काला ना हो। साथ ही एक बड़े साइज का टमाटर वो भी बारीक काट लिया है, दो मीडियम साइज की हरी मिर्च जिसे एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए अब बिना सूजी के ही ये उपमा बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए गैस ऑन करके उसके ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में डाल देते हैं एक टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। मैं सरसों के तेल का यूज कर रही हूँ, आप कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो आप खाते हो। ऑयल को गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म होता है एक बार गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और जैसे ही तेल हल्का सा ठंडा होता है गैस को ऑन कर देंगे और गर्म तेल में हम डाल देंगे हाफ टी स्पून राई। राई को फूटने देंगे। जैसे ही राई अच्छे से चटकती है मैंने लिए हैं ये कुछ करी पत्ते जिसे अच्छे से धो लिया है वो भी डाल देंगे। आप कोई भी उपमा बनाए उसमें काजू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और उसके लिए मैंने ले लिए हैं ये 12-14 काजू, ये डाल देते हैं। और अगर आप काजू नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं और काजू को बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए हम चला लेंगे जिससे उनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही काजू का हल्का सा कलर चेंज होता है हम डालेंगे उसमें ये हरी मिर्चें और अब डाल देते हैं ये प्याज। हमें इसमें प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। प्याज को मैंने 30 से 40 सेकंड तक भून लिया है और उसी समय हम डाल देंगे इसमें आलू। आलू का एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है और इस आलू के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 20-25 दाने किशमिश के। आप उपमा बनाएं या पोहे बनाएं उसमें किशमिश का टेस्ट अच्छा लगता है क्योंकि हल्का मीठा टेस्ट इन चीजों में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पसंद है या आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चें। उपमा बहुत ज्यादा तीखी अच्छी नहीं लगती है और आप चाहें तो मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। गरम ऑयल में आलू 2 से 2.5 मिनट में ही बहुत ही अच्छे से पक चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे हरी मटर के दाने और दानों को हमने पहले से ही उबाल कर रखा है। और अब हम डालेंगे उपमा में दही, ये 1 टेबल स्पून से कुछ ज्यादा मैंने खट्टा दही ले लिया है। इस उपमा में आप बहुत ज्यादा दही ना डालें और अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। और 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर हम दही को मटर और आलू के साथ पका लेंगे। जितने आलू और मटर पकते हैं उतने ही मैंने लिए हैं ये नॉर्मल व्हाइट ब्रेड है। हम जो उपमा बना रहे हैं वो ब्रेड के साथ बनाएंगे लेकिन इसका टेस्ट जो हम ब्रेड पोहा बनाते हैं उससे एकदम डिफरेंट आएगा, इसलिए इस रेसिपी को आप एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई करें। और इन ब्रेडों को हम इस तरीके से मोटा मोटा तोड़ लेंगे और एक मिक्सी के जार में डालकर इसका क्रम बना लेंगे। ब्रेड को मैंने क्रम बना लिया है और आप देख सकते हैं ये काफी कुछ देखने में सूजी के जैसा लग रहा है। और इस रेसिपी में तो आप लेफ्ट ओवर ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हमने ये सब चीजें जो पकने के लिए रखी थी बहुत ही अच्छी सी पक चुकी है और इसमें हम डाल देंगे ये ब्रेड क्रम। और लगातार चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बिल्कुल जो हम सूजी की उपमा बनाते हैं
उसके जैसा है और खाने में ये उससे भी ज्यादा टेस्टी है क्योंकि ब्रेड तो सभी को बहुत पसंद होती है। और साथ ही डाल देंगे वो टमाटर जो हमने काट कर रखे थे। अगर आपको टमाटर का कच्चा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप जिसने हमने प्याज भूनी थी उसी समय आप टमाटर भी भून सकते हैं, लेकिन इसमें कच्चे टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए मैंने बाद में डाले हैं। और देखिए कुछ ही मिनटों में हमारी बहुत ही टेस्टी ये उपमा बनकर तैयार हो गई है। और लास्ट में डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और ये उपमा बनकर तैयार हो गई है। अगर आपके पास दही नहीं है या आपने दही नहीं डाला है तो आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। बिना सूजी के ही मिनटों में बनी हुई और बहुत ही टेस्टी हमारी ये उपमा बनकर तैयार हो गई है। यकीन मानिए ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है और आप इसे लेफ्ट ओवर ब्रेड के साथ बना सकते हैं। जो ऊपर नीचे की ब्रेडें बच जाती हैं या जो एजेस बच जाते हैं उनसे भी ये उपमा बहुत टेस्टी बन जाती है। आप इस रेसिपी को एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई करें और मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। बिना सूजी के ही बहुत ही टेस्टी हमारा उपमा बनकर तैयार है। बनाना बहुत आसान था, बहुत झटपट बन गया, इसलिए मुझे उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।